हमने टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये रश आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये कुछ जो है पेंटिंग की हुई है दीवारों पे, खूबसूरत सी। ये कह रहे कि एटम बम से पहले का ये हिरोशिमा था, जो पेंटिंग ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। रश बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये डेट लिखी हुई है और ये रश बहुत ज़्यादा है। लाइटिंग इन्होंने ऐसी की हुई है कि जो वॉल है उसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है वो वाजे नज़र आए। ये देखें, यहाँ से आप शुरू करके देखें, ये जब एटॉमिक बम गिरा था तो ये उनकी पिक्चर्स हैं डिस्ट्रक्शन के बाद की। चलो जी, हम आगे जाते हैं और इसकी वीडियो भी बनाते जाते हैं। जो ये दीवार पे पेंटिंग्स हैं, ये बेसिकली ये जो पेंटिंग्स है ये डिस्ट्रक्शन की दिखाई गई हैं। और ये देखें, ये वो एटॉमिक बम डोम है जहाँ पे एटम बम, इससे सुनने में आ रहा है कि ऊपर थोड़ा सा पता नहीं कितने फुट पे या फिट पे ऊपर गिरा था, वहाँ पर पटा था, यानी प्रॉपर ज़मीन पर एटम बम नहीं लगा था ये कहते हैं। तो उसमें जो वाइज बिल्डिंग इंटेक्ट रह गई थी वो ये एटॉमिक बम डोम था। अब यहाँ पे हम आपको विजुअल दिखाते हैं वीडियो। ये कैसे भी दिखा रहे थे कि जब एटम बम गिरा था तो किस तरह गया था, किस तरह डिस्ट्रक्शन हुई थी विजुअल में। ये देखें, ये भी विजुअल डिस्ट्रक्शन थी। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश है। ये मेन बिल्डिंग का रूट है यहाँ पे, काफ़ी अंधेरा है। ये आपको आगे नज़र आ रहा है, ये मेन बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं जो म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। तो रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इनका आजकल गोल्डन वीक चल रहा है, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। आपके सामने विजुअल नज़र आ रहा है वॉल पर डिस्ट्रक्शन के बाद की इफेक्ट हुई है पिक्चर। रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा, ये लोग
कंप्यूटर ऑन है मैं, क्योंकि ये वॉल पे एक एक राइटिंग एक एक पिक्चर देख रहा हूँ, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और कुछ इंग्लिश में भी उनके साथ लिखा हुआ है। यूके ब्रिज वॉज कवर्ड विद सेवरली बर्न्ड पीपल, आई हर्ड द कैमरा बट आई कुडंट स्नैप द शटर। फाइनली आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ऑफ हेजिटेशन आई टुक माय फर्स्ट पिक्चर। ये दीवार पे लिखा हुआ इंग्लिश में, अराउंड 11:06 2,270 मीटर फ्रॉम द हाइपोस्टार। ये है जनरल डिस्ट्रक्शन, विजुअल ऑफ डिस्ट्रक्शन। टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया कि यहाँ पर बहुत से लोग और हैं और रड ज़्यादा है, और एक एक पिक्चर को वो देख रहे हैं और राइटिंग जो हुई दीवार पे उसको पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो है कि मोमेंट। और जिस तरह यह है, ये पूरी डिस्ट्रक्शन दिखाई गई थी जब बम गिरा था पिक्चर में। इस साइड पे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं।